वेलकम है आप सभी का मेरे छोटे से इस बगिया में। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे इस खूबसूरत प्लांट की बात करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स है और ये एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं अपने घर में, जितने मर्जी एवरग्रीन प्लांट है। बहुत ही और लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है। एक बार आप इसको ला के लगाएं और फिर ये बड़ी खूबसूरती से चलता रहता है फ्रेंड्स। तो आज मैं जैसे कि जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनकी मैं आपको जानकारी, जब उनको मैं अच्छी तरह जान जाती हूँ कि फ्रेंड्स इसको क्या चाहिए क्या नहीं, लगाने के बाद कम से कम 6 महीने 1 साल इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पहचानने के बाद ही आप लोगों को जो जानकारी देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो जानकारी है वो अपने खूबसूरत ग्रीन प्लांट पर है जिसका नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका नाम फ्रेंड्स खूबसूरत का है फॉक्सटेल फन। ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, इसमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ इसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ, और इसकी केयर कैसे करते हैं वो भी। फ्रेंड्स, मेरे पास ये आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, मैं माली से सिर्फ एक प्लांट लाई थी तकरीबन 2 साल पहले फ्रेंड्स, और आज मेरे पास में ये काफ़ी कम से कम 7 जगह मैंने इसको डिवाइड कर करके लगा दिया है। फ्रेंड्स, ये डिवाइड करने से काफ़ी आसानी से लग जाता है और इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस भी नहीं है। मैंने इसको जो खाद दी है वो फ्रेंड्स अपना जो DAP है उसको मैं पानी में घोल करके, 1 लीटर पानी में घोल करके और अपने इन प्लांट्स में तकरीबन 3 मंथ्स में एक बार डालती हूँ। ज़्यादा मैं इनको फर्टिलाइज़र भी नहीं देती हूँ फ्रेंड्स। 3 या 4 मंथ्स में एक बार आप इसको दे सकते हैं या फिर आप इसको गोबर की खाद भी दे सकते हैं। ये कोई ख़ास केयर नहीं मांगता है। पानी भी फ्रेंड्स इसको आप जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी दें, और इसको ना ज़्यादा आप हार्ड सनलाइट में रखें और ना बिल्कुल इंडोर रखें। आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर सिर्फ लाइट आती हो फ्रेंड्स, रोशनी जिसको कहते हैं धूप की, वहाँ पे रखें, काफ़ी अच्छे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर एक प्लांटर में लगा रखा है, देखिए सेरेमिक पॉट है मेरा जिसमें लगा रखा है, एक उधर सेरेमिक पॉट है फ्रेंड्स उसमें मैंने लगा रखा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और ये मेरे प्लास्टिक के पॉट हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे एक सवाल किया है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि सेरेमिक पॉट या फिर टेराकोटा के पॉट में ही प्लांट्स अच्छे चलते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक हमें प्लांट्स की केयर करनी नहीं आती तभी तक ऐसा आप मान सकते हैं कि टेराकोटा के जो पॉट हैं उसी में प्लांट्स अच्छे चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी है फ्रेंड्स आप लोगों की। मेरे पास तकरीबन प्लास्टिक के पॉट हैं, आपको मैं अपने थोड़ा सा गार्डन की तरफ दिखाती हूँ। मैंने कुछ प्लांटर नर्सरी से ख़रीदे हैं फ्रेंड्स, और कुछ प्लांटर मैंने आपको अपनी कुछ वीडियो में दिखाए होंगे कि मैंने सरसों के तेल के डिब्बों के बनाए हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये सरसों के तेल के डिब्बे का बनाया हुआ प्लांटर है, ये देखिए ये भी, और इसमें मैंने जिगजैग लगा रखा है तो काफ़ी सुंदर चल रहा है फ्रेंड्स। तो मेरे पास टेराकोटा के भी हैं और मिट्टी के, सीमेंट के, प्लास्टिक के ज़्यादा हैं। और मेरे तकरीबन गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं फ्रेंड्स काफ़ी हेल्दी चल रहे हैं। आप मेरी वीडियो में देखते होंगे, मैंने अपने घर के डब्बे हैं या फिर कुछ बाल्टियाँ निकली आती हैं वेस्ट, उसमें लगा रखे हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स चलते हैं। बस आपको इतना करना है, जब भी किसी प्लास्टिक के पॉट में आप प्लांट्स लगाते हैं किसी भी तरीके का, इंडोर आउटडोर, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो ड्रेन सिस्टम है वो गुड होना चाहिए फ्रेंड्स। आप जब पानी उसमें डालें मिट्टी मॉइस्ट हो जाए और जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए फ्रेंड्स, पॉट में रुके ना, आपका प्लांट्स बहुत अच्छा चलेगा। पानी चाहे टेराकोटा का पॉट हो, प्लास्टिक का पॉट हो, सीमेंट का पॉट हो, किसी भी तरीके का पॉट हो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांटर में पानी रुकता है तो आपका प्लांट्स फ्रेंड्स ख़राब होगा। चाहे आप कितना भी हार्ड प्लांट लगा दें वो ख़राब हो जाएगा।
तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और आप किसी भी प्लांटर में कोई भी प्लांट्स लगाएं, आपका प्लांट्स कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट थी मैंने उनको उनकी बात का जवाब दिया फ्रेंड्स। और ये जो फॉक्सटेल फर्न है फ्रेंड्स, मैंने आपको मैंने दिखाया ये तीन प्लांट्स, दिखाती हूँ मैं आपको। पहले ये देखिए, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, 5 इंचेस के हैं ये, 6 इंची के हैं ये देखिए। और इनमें मैंने ये फॉक्सटेल फर्न लगा दी है। इसकी जानकारी ये है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा, कि आप इस फॉक्सटेल फर्न को एक बार अगर पॉट में लगा देते हैं, फिर इनके साथ आप साल 6 महीने अगर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको लगा के छोड़ देंगे और इनमें पानी दें बस और कुछ भी ना करें, हार्ड धूप में ना रखें फ्रेंड्स। जितने पुराने आपके घर में होंगे उतने ही ज़्यादा ही निकल के आएंगे। ये भी प्रैक्टिकल है मेरा, ये जब नए आए थे मैंने बहुत कोशिश करी इनके साथ में। इनकी जो ये टेल है ये छोटी छोटी आती थी, मज़ा नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, पतली छोटी, तो समझ में नहीं आता था क्या करना चाहिए मुझे। पर जैसे जैसे ही मेरे यहाँ 2 साल तकरीबन पुराना हो चुका है फ्रेंड्स अब ये प्लांट्स, और मैंने जब इनको डिवाइड कर करके लगाना स्टार्ट कर दिया, तो अभी देखिए कितने अच्छे से निकल के आ रहे हैं, लग रहे हैं ना खूबसूरत। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक बार आप लगाएं, और जब भी लगाएं तो इसके लिए मिट्टी आप ले लें अच्छी, जो वेल ड्रेन मिट्टी हो, और फ्रेंड्स उसमें आप गोबर की खाद मिलाएं, ज़्यादा कुछ भी ना करें, सिर्फ ये 2 चीज़ मिला के इसकी मिट्टी बनाएं और पॉट में इस प्लांट्स को लगा दें। जिन भी भाई बहनों का ये प्लांट्स नहीं होता है, आप ऐसा करके देखें, आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। ज़्यादा कुछ ना करें, जब भी इस प्लांट को लगाएं तो आप किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें फ्रेंड्स, सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी में मिला के लगा दें। तकरीबन 6 महीने इसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ वाटरिंग करें, और इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सिर्फ सनलाइट आती हो फ्रेंड्स। बहुत अच्छा चलने वाला प्लांट है, मेरे यहाँ काफ़ी खूबसूरती से चल रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं, ये लग रहा है ना खूबसूरत, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये खूबसूरत प्लांट्स कैसा लगा और मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड्स। उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भाई बहन मेरे वीडियो को देखने के बाद स्किप कर देते हैं आधी, वो पूरी देखें और लाइक करें। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी अपडेट्स मिलती रहें। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक आप मेरे वीडियो को एंजॉय करें, शेयर करें। बाय फ्रेंड्स।